बिग बॉस सीजन 13 ने रश्मि देसाई को काफी ज्यादा लाइमलाइट में लाकर रख दिया है। ये बात तो आप सब जानते हैं, कई सीजन्स है बिग बॉस के जो लगातार रश्मि को ऑफर हो रहे थे और लगातार रश्मि ऑफर रिजेक्ट कर रही थी। रश्मि को सीजन 13 से भी पहले कई बार अप्रोच किया जा चुका है बिग बॉस में आने के लिए, लेकिन रश्मि ने किसी भी सीजन के लिए हामी नहीं भरी। इस बार अरहान के लिए ही सही, लेकिन रश्मि शो में आने के लिए तैयार हुई और यकीनन अपना ये फैसला रश्मि को हमेशा याद रहेगा। बिग बॉस सीजन 13 रश्मि देसाई की जिंदगी को पूरी तरह से बदल रहा है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना कुछ सहा है, कितनी उतार चढ़ाव देखे हैं। रश्मि देसाई, जिनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी ने हमेशा देखा, उस मुस्कुराहट के पीछे कितनी तकलीफ और कितना दर्द छिपा है, ये लोग अब जानने लगे हैं। तो रश्मि देसाई जो हैं, उनका बेहद स्पेशल बॉन्ड है बॉलीवुड के कई सितारों के साथ। माधुरी दीक्षित के साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया झलक दिखलाजा के दौरान, सलमान खान के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की दबंग के दौरान, लेकिन रश्मि देसाई इन सबसे बहुत ऊपर है। रश्मि देसाई को टीवी इंडस्ट्री के तमाम सितारे सपोर्ट कर रहे हैं, और जो रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करेंगे उसमें रश्मि और अंकिता लोखंडे के बारे में आप भी जानेंगे। बता दें आपको, रश्मि और अंकिता ये टीवी इंडस्ट्री की BFF यानी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर है। हमेशा इन्हें एक दूसरे के साथ देखा जाता है, हमेशा ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई आई है। और आज जब रश्मि बिग बॉस के घर के अंदर है, तो घर के बाहर से अंकिता उन्हें किस तरह सपोर्ट कर रही है। घर के बाहर से अंकिता लोखंडे रश्मि को विनर बनाने के लिए किस तरह अपील कर रही है। रश्मि का माधुरी दीक्षित, सलमान खान और अंकिता लोखंडे, इन तीनों के साथ ये जो बॉन्ड है, इस पर एक बेहद स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार की है, देखिए जरा। बिग बॉस सीजन 13 से चर्चा में आई रश्मि देसाई टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। साल 2011 में उत्तरन सीरियल से रश्मि को पहचान मिली। हालांकि उत्तरन की तपस्या बनने से पहले भी रश्मि कई सीरियल्स में काम कर चुकी थी, लेकिन असली पहचान उन्हें उत्तरन से मिली। तपस्या का नेगेटिव किरदार जिस तरह से रश्मि ने निभाया, और इस नेगेटिव किरदार के बाद जिस तरह से रश्मि देसाई पॉजिटिव तपस्या बनी, हर किसी ने उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया। बता दें आपको, रश्मि देसाई उतरन के बाद बनी दिल से दिल तक की शौर्वरी। जितनी बार रश्मि फिल्मी पर्दे पर आई हैं, उन्हें लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। नच बलिए, खतरों के खिलाड़ी, फियर फैक्टर, झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शोज में वो काम कर चुकी हैं, लेकिन उनकी किस्मत को बदल रहा है रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13। एक वक्त पर टीवी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रही रश्मि देसाई बिग बॉस सीजन 13 के बाद अपनी लाइफ में काफी कुछ नया करेंगी, ऐसा ही मालूम पड़ रहा है, क्योंकि ये शो रश्मि की किस्मत पूरी तरह से बदलने जा रहा है। बता दे आपको, रश्मि देसाई का बेहद खास रिश्ता रहा है दबंग सलमान खान के साथ, माधुरी दीक्षित के साथ, अंकिता लोखंडे के साथ। शुरुआत करेंगे अंकिता लोखंडे से। टीवी इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस के बीच काफी खूबसूरत बॉन्ड हमेशा से देखा गया है, और रश्मि देसाई की बेस्ट फ्रेंड अंकिता लोखंडे है। तस्वीरों को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं, रश्मि और अंकिता किस तरह से एक दूसरे के साथ पार्टी करते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। बताया जाता है कि जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ अंकिता लोखंडे का ब्रेकअप हुआ, जब नंदिश के साथ रश्मि देसाई का तलाक हुआ, जब ये दोनों ही अभिनेत्रियां अपनी जिंदगी के काफी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, ये दोनों एक दूसरे का सहारा बनी। इन दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और एक दूसरे को लाइफ के टफ फेस से बाहर निकाला। अब इन सब के बीच रश्मि देसाई के गेम प्लान पर अंकिता लोखंडे कहती हैं, वैसे तो मेरी अच्छी दोस्त आरती सिंह भी हैं, लेकिन मैं दिल से चाहती हूं कि बिग बॉस सीजन 13 रश्मि देसाई ही जीते। अंकिता शो के बाहर रश्मि को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है, वो रश्मि देसाई को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है। किसी भी इवेंट में अगर अंकिता से सवाल किया जाता है रश्मि सिद्धार्थ के झगड़े पर, तो अंकिता कहती हैं, झगड़े पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन
मैं दिल से चाहती हूँ कि बिग बॉस सीजन 13 रश्मि देसाई जीते। इसके साथ ही आपको बता दें, अंकिता लोखंडे रश्मि के साथ हमेशा से बेहद खूबसूरत बॉन्ड शेयर करती हुई देखी गई है। अब अंकिता से आगे बढ़ते हैं। सलमान खान और रश्मि देसाई के बारे में तो आप सब जानते हैं। बताया जाता है कि जब रश्मि को इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था, जब रश्मि देसाई इंडस्ट्री में काफी ज्यादा मुश्किल हालातों का सामना कर रही थी प्रोफेशनल लेवल पर, उस वक्त सलमान खान ने उन्हें अपनी फिल्म दबंग 2 में रोल दिया। भले ही रोल छोटा था, लेकिन उस छोटे से रोल ने एक बार फिर से रश्मि देसाई को मौका दिया कि रश्मि अपने आप को साबित कर पाए, और रश्मि ने ये काम बखूबी किया भी। बता दें आपको, सलमान खान रश्मि के लिए हमेशा से खास रहे हैं। सलमान खान ने हमेशा से रश्मि को सही रास्ता दिखाया है बिग बॉस के घर में, जहां एक तरफ अंकिता लोखंडे घर के बाहर रश्मि को सपोर्ट कर रही हैं, अंकिता घर के बाहर रश्मि देसाई का हौसला बढ़ा रही हैं, उनके जीतने की कामना कर रही हैं, उनके लिए वोट अपील कर रही हैं, तो वहीं घर के अंदर रश्मि जब थोड़ा भी हो जाती है मिस ट्रैक, सलमान करते हैं उनको गाइड।